एनीवन ऑफ यू, हमने कब पहली बार कम्युनिटी लाइफ बिगिन की, सामुदायिक जीवन कब शुरू किया? पहले हम लोग इधर उधर, वी वॉन्डर हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वी वर न्यूड, कपड़े बनाना जानते नहीं थे, तो कभी कभी पत्तों की छाल पहन लेते थे, जब तक कि बकरी ना खाए तब तक पहने रहते थे, और ये चीजें चलती रहती थी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कभी ना कभी कम्युनिटी लाइफ तो बिगन हुई होगी ना। व्हेन कम्युनिटी लाइफ कमेंस्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कब हमने गांव बसाए, कब हमने शहर बसाए पहली बार? द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन पहली बार गांव कौन से बसे भारत में? पहला गांव कौन सा था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में? बहुत आसान है, इन क्वेश्चन का जवाब बहुत आसान है, एक बार पढ़ लेंगे आपको जबान पर होगा। मुझे नहीं लगता कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा तो होगा, इतिहास बिल्कुल नहीं पढ़ा, जीरो है। कितने लोगों ने इतिहास इससे पहले पढ़ा है? जब इतने ही लोगों ने, बाकी लोग, अच्छा बाकी लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन उठा नहीं रहे हैं। आपने तो पढ़ा है, आपने तो पढ़ा है, आप क्यों नहीं उठा रहे थे? है, आपने तो पढ़ा है, आपको मैंने देखा है पढ़ते हुए, पढ़ा है ना, सही से बताएं। इधर से बहुत सारे चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जिनको मैं पहचान रहा हूं थोड़ा थोड़ा, इधर से भी कुछ आ रहा है इस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इतिहास में पहले घटित होने वाली घटनाओं को आपको थोड़ा सा फिंगर टिप्स पर याद रखना पड़ेगा, बिना याद रखे हुए। जैसे भारत पर पहला अटैक कौन सा हुआ बताएं, थोड़ा सा जल्दी से बताएं, क्विक। विच वॉज द फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया, हु अटैक फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडिया? आप पहुंच तो रहे हैं ये देखें, लेकिन मैं दारा का नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं उस देश से पूछ रहा हूं जहां से अटैक हुआ था। किस राज्य के शासक थे, किस देश के शासक थे वो लोग? डेरियस है? नहीं, मैसिडोनियन नहीं थे, पर्सियन। देवर पर्सियन, पर्सियन अटैक। ठीक है, हिंदी में उसे हकामनी कहते हैं। ठीक है, फारस का अटैक, हकामनी अटैक, दैट वाज द फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है। उसके बाद सिकंदर का हुआ था जो मेसिडोनिया का था। सिकंदर का अटैक उस अटैक के 190 साल बाद हुआ था, वो भी नहीं कि तुरंत हुआ था, आफ्टर 190 ईयर। अब पर्सियन अटैक, अलेक्जेंडर अटैक ऑन इंडिया 190 साल बाद। पहला गांव जो था ना हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसे गांव कहा जाता है, मेहरगढ़ था। मेहरगढ़ का नाम सुना है ना? और पहली बार कॉटन प्रोडक्शन कहां पर हुआ? मेहरगढ़ में ही हुआ था। द पीपल ऑफ कॉटन प्रोड्यूस, द पीपल ऑफ मेहरगढ़ प्रोड्यूस कॉटन फॉर द फर्स्ट टाइम, दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है। जैसे अग्नि का आविष्कार का जवाब नहीं दिया, बुदे देता हूं मैं। पैलियोलिथिक में भी तीन फेज है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक में हुआ था लास्ट फेज में, यानी पैलियोलिथिक काल के लास्ट फेज में जाकर के फायर वाज इन्वेंटेड। बट यहीं पर आपको गुगली करेंगे ये लोग, कभी कभी ये लोग गुगली भी करते हैं, और गुगली क्या है अब समझे। कई बार हम पढ़ कर जाते हैं चीजें, हमें समझ में आ जाती है कि चलो हम पढ़ रहे हैं चीजें, ठीक है आसान है हमारे लिए, लेकिन कई बार पूछ देते हैं ना ये कि पहली बार अग्नि का इस्तेमाल किन लोगों ने किया था। इन्वेंशन अलग चीज है अभी, और यूज अलग चीज है। फॉर द फर्स्ट टाइम विच पीपल ऑफ विच पीरियड यूज फायर, मतलब किस काल के लोगों ने किया था, उसके बाद ही आएंगे ये, जस्ट बाद। मेजोलिथिक, जब अपर पैलोलिथिक आ गया तो अपर पैलोलिथिक के जस्ट बाद का पीरियड मेजोलिथिक होगा, एंड मेजोलिथिक के लोगों ने पहली बार फायर को एक्सटेंसिवली यूज किया था अपने पर्पस के लिए। क्या करते थे ये लोग? हाँ, तो मांस को रोस्ट करते थे, रोस्टेड मांस खाते थे ये लोग, भून करके उसे। ठीक है, अच्छा लगने लगा क्योंकि पहले कच्चा ही खाते थे ये लोग, फायर के इन्वेंशन से पहले कच्चा ही खाते थे, रोस्टेड मांस खाने लगे, अच्छा लगने लगा, थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला भी नहीं आया था, तो
ये तो और अच्छा लगता, ठीक है, लेकिन जो आया था वो बता दिया। रही बात और चीजों की, तो पहली बार इन लोगों ने आर्टिफिशियल घर बनाना किस काल में शुरू, देखिए सब चीजें पहली हैं, और इतिहास में फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, अंत तक जब तक 1947 ना हो जाए, बहुत चीजें पहली बार आएंगी आपके पास, अनलिमिटेड चीजें पहली बार आएंगी। और अगर उसको आप तैयार कर लेते हैं ना, सिर्फ पहली बार वाली चीजों को, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो बताएं आप लोग, कौन सा क्वेश्चन था मेरा? हाँ बताएं, एक क्वेश्चन बताएं आप लोग कि तुलगमा वॉरफेयर वॉज यूज इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच रूलर? बाबर। इसमें देखिए फिंगर टेस्ट पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, तुलगमा और दो उस तरीके की वॉर पैटर्न सिस्टम कुछ पहली बार यूज हुआ भारत में, तो भी पहली बार बाबर ही लेकर भारत में आया, ठीक है। कैनन्स वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय बाबर। बहुत सारी चीजें पहली बार हुई हैं। तो अगला एलिमेंट जो है, फोकस ऑन दोज इंसिडेंट्स विच हैपेंड टू बी फर्स्ट इन द हिस्ट्री। विच हैपेंड टू बी फर्स्ट इन द हिस्ट्री, यानी भारत में के इतिहास में पहली बार घटित होने वाली घटनाओं को भी आपको फोकस को करना है। कम से कम इतनी चीजें आपको फोकस बनाए रखना है, ठीक है। इतनी चीजों फोकस बनाए रखते हैं तो हिस्ट्री विल बिकम इजी फॉर यू, ठीक है। जब भी लगे कि ये पहली बार हो रहा है, वहां पर अंडरलाइन करें, उसको हाईलाइट करें, उसको सर्किल करें, ठीक है। वो चीजें आपके दिमाग में हमेशा आएंगी, जब भी पढ़ेंगे कोई भी कॉपी किताब, तो उसमें ये चीजों को अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, सर्किल करें, तो वो दिमाग में पहले ही आ जाएगा, जैसे ही पढ़ेंगे उसमें पहली बार आ जाएगा। बहुत बहुत चीजें पहली बार, जैसे पहली बार टैक्स किस काल में लगा, ये भी पहली बार हुआ। पहली बार पोटरी का यूज कब किया हमने, मिट्टी के बर्तनों का, ठीक है। इसी तरीके से पहली बार हमने वैसे कुएं कब बनाने शुरू किए, जैसे रिंग वेल्स कहा, जिसमें अंडरग्राउंड वाटर को यूज करते थे। कुएं तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी बनाते थे, लेकिन वो अंडरग्राउंड वाटर यूज नहीं करते थे, वो पानी ले आकर के गड्ढे बनाते थे, पानी ले आकर उसमें डाल देते थे गड्ढे में। अब वो अंडरग्राउंड वाटर सोर्स नहीं था उसका, पानी खत्म तो फिर डालना पड़ता था उसमें, ठीक है। वो आर्टिफिशियल पॉन्ड टाइप का था, लेकिन पहली बार इस तरीके के रिंग वेल्स बनाने शुरू हुए। रिंग वेल्स का मतलब जिसमें अंडरग्राउंड वाटर सोर्स हो, जहां पर पानी निकाला जाए तो अपने आप अंडरग्राउंड फिल कर जाए वो, उस तरीके के रिंग वेल्स पहली बार कब बने, पहली बार आयरन का यूज कब हुआ, पहली बार कॉपर का यूज कब हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन, अनलिमिटेड क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि पहली बार में खत्म हो जाएगा, 2, 4, 10, 20 में, 50 में, 100 में, 1000 में, लाखों आएंगे। पहली बार ऐसी चीजें होंगी जो लाखों होंगी, ठीक है, इतिहास में पढ़ते समय। इनको भी अगर इकट्ठा कर लेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। तो इन चीजों को फोकस करें, यही अप्रोच है। बाकी अगर ऑप्शनल आपको पढ़ना होता तो कुछ अप्रोच और बताता मैं, जरूरत अब नहीं, इतना जीएस के लिए पर्याप्त है। ऑप्शनल पेपर वालों के लिए अप्रोच थोड़ा और होता है, जैसे उसमें हिस्टोग्राफी आ जाती है, फिर इतिहास लेखन, क्योंकि ऑप्शनल पेपर में इतिहास लेखन पर भी ध्यान देना पड़ता है। इतिहास अलग अलग विचारधारा के लोगों ने लिखा है ना, कोई नेशनलिस्ट है, तो कोई कम्युनिस्ट है, तो कोई कोई मार्क्सिस्ट है, कोई सबाल्टर्न है, तो कोई सोशल हिस्टोरियन है सर, और कोई इंपीरियल हिस्टोरियन है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तो वो आपकी जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत है इन 5 पॉइंट्स को आप लोग यूज करें इतिहास के अप्रोच में। एक मैप बनाता हूँ और दिखाता हूँ आपको, जैसे मैप किस तरीके से इसको करते हैं यूज, और किस तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आएगा। देखें, मैप बनाने की कला सीख लें और विद इन सेकेंड्स बनाए। कुछ तो लोग घड़ी देख रहे होंगे, पाकिस्तान भी ले लेता हूं क्योंकि भारत का अंग रहा है वो, ठीक है। 1947 तक तो हमें इनको लेकर ही चलना पड़ेगा। पाकिस्तान का मैप नहीं बना पाता क्योंकि जन्म वहां मेरा हुआ नहीं है, ठीक है। ना ना वो, हाँ वो भी, वो तो मान लेते हैं ना कि इसके आसपास होगा, वो मान लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पाकिस्तान लेना जरूरी है थोड़ा सा, थोड़ी सी भावनाओं में। लेकिन मान लेते हैं कि ये सारी चीजें हमारी हैं। फिलहाल मैं जो दिखाना चाहता हूँ, जो बता रहा था भी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद कहाँ क्या आया,
जब हम स्टोन एज पढ़ते तो स्टोन एज पूरे मैप पर होगा। स्टोन एज में आपको तीनों फेज बताऊंगा, पैलोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, तीनों में एक एक मैप बनेगा और तीनों में इसमें लोकेट होगा, लोकेशन तीनों में आएगा और लोकेशन के साथ ही आपको पढ़ना इसको है। देन आप जब आप स्टडी करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसे चैल्कोलिथिक पीरियड, तो चैल्कोलिथिक पीरियड पूरे देश में होगा हर जगह पर, ठीक है, नॉर्थ साउथ सब जगह पर होगा। लेकिन चैल्कोलिथिक पीरियड के बाद ये वाला एरिया बदल जाएगा आपका, इस वाले एरिया में विशेष रूप से और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों तक भी, और ये पूरा एरिया जो है वो हड़प्पन कल्चर में आ जाएगा। अब सोचे कि यहां हड़प्पन कल्चर है, ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या आएगा, अब सोचे यहां पर चैल्कोलिथिक कल्चर के बाद चीजें बदल गई। चैल्कोलिथिक कल्चर के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के एरिया में, बंगाल के एरिया में यहां पर आयरन एज आ गया, आयरन एज यहां पर आयरन एज आ गया, ठीक है। जबकि आप जानते हैं कि हड़प्पन कल्चर आयरन एज नहीं था, हड़प्पन कल्चर वॉज अ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, यहां पर आयरन एज आ गया, लेकिन आयरन एज देर से आया यहां पर, 1000 BC के आसपास आया ये, जब हड़प्पन कल्चर का डिक्लाइन हो गया था उसके बाद आया ये यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि तुरंत आ गया। और साउथ में यहां पर ये वाला एरिया चैल्कोलिथिक के जस्ट बाद, ये चैल्कोलिथिक, नियोलिथिक बहुत देर में खत्म हुआ यहां पर, करीब करीब 2500 BC में तो नियोलिथिक शुरू हुआ था यहां पर, और 1000 तक यहां पर चैल्कोलिथिक चलता रहा, और फिर उसके बाद जाकर के यहां पर इस एरिया में मेगालिथिक आ गया। अब देख ले आप लोग, चेंजेस इसी को कहा जाता है, मतलब यहां पर इससे पहले जो सिविलाइजेशन थी वो थी चैल्कोलिथिक। तो चैल्कोलिथिक के बाद ये आया, यहां पर भी चैल्कोलिथिक था इससे पहले, ठीक है, यहां पर भी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इससे पहले यहां पर चैल्कोलिथिक था, अब सोचे कि चैल्कोलिथिक के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन यहां पर, लेकिन हर जगह तो नहीं आया, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चेंजेस हुए, इसी को चेंजेस कहते हैं और इसको मैप के थ्रू मैंने बताया, ठीक है। यहां पर चैल्कोलिथिक के बाद आयरन एज आ गया, यहां पर चैल्कोलिथिक के बाद मेगालिथिक आ गया, मेगालिथिक भी दक्षिण भारत का आयरन एज ही था क्योंकि ये लोग भी आयरन को यूज करते थे, ठीक है, ये भी आयरन एज। तो चेंजेस इसे कहा जाता है। अब एक बार जब पूरे देश में चीजें चलती हैं तो पढ़ना आसान होता है, स्टोन एज एक साथ पूरे देश में था पढ़ना आसान, लेकिन जैसे ही हड़प्पा सभ्यता आया तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट में था, बट और पार्ट में क्या था वो हम नहीं पढ़ते, हम मान लेते हैं कि पूरे देश में हड़प्पा सभ्यता रही, दिमाग में ये बना लेते हैं कि यहीं से चीजें चली, अलग अलग है ये, दक्षिण भारत का इतिहास यहाँ शुरू होता है, ठीक है, अलग। और इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, संगम एज, रिमोट साउथ में इस वाले हिस्से में संगम एज आ जाएगा, फिर इसके बाद राज्यों का बनना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। चीजें इस तरीके से चलती है, थोड़ा सा इसको करेंगे ना तो आसान हो जाएंगी चीजें। कहने का मतलब है कि मैप यूज करें, चेंजेस पर फोकस करें, बहुत आसान हो जाएगा इतिहास पढ़ना, बहुत आसान, अदरवाइज इतिहास जो है इसी तरीके से टफ लगता रहेगा। अब जैसे एक चेंज और मैं दिखाता हूँ आपको, बड़ा यूनिक लगेगा आपको, क्योंकि जैसे मौर्य काल आपने पढ़ा होगा इतिहास कभी न कभी, तो ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, 10वीं क्लास तक तो सभी ने पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद इस कंपटीशन की तैयारी आज ही तो शुरू नहीं किया होगा, पहले शुरू हुआ होगा और इतिहास पढ़ा होगा, ठीक है, हो सकता है कुछ अटेम्प्ट भी आप लोगों ने दिया होगा या किसी PCS वगैरह का और अटेम्प्ट दिया होगा, तो इतिहास वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें बड़े पैमाने पर इतिहास पूछा जाता है। जैसे BPSC दे ले तो BPSC में 35 से 40 क्वेश्चन तक बड़े आराम से आते हैं टोटल में, ठीक है, वेरी करता है वो, कभी कभी 30 से 35 हो जाता है, कभी 35 से 40 हो जाता है, वेरी करता है वो, बट ठीक ठाक प्रपोर्शन में क्वेश्चन आते हैं। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे, बिना इतिहास के करे हुए तो पास ही नहीं हो सकते वहां पर। लेकिन कम से कम 5 मेजर सब्जेक्ट हैं जिसको आपको फोकस करके चलना है, वो 5 मेजर सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड साइंस, एंड साइंस से इन 5 चीजों को फोकस करें, करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, हो जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। इन्हीं 5 पर फोकस बनाए रखें, PT आसान हो जाएगा, मेंस में थोड़ा सा एफर्ट कर लेंगे, आप JPSC दे रहे हैं तो झारखंड पर फोकस कर लेंगे थोड़ा, ठीक है,
बहुत आसान हो जाएगा फिर। तो अभी आप ही के बैच में से कुछ लोगों ने मेल्स के बाद जो है मुझे मैसेज भी किया था कुछ लोगों ने, ठीक है, मैं कि आपके पढ़ाए हुए से क्लास नोट से ही क्वेश्चन आ गए थे सारे मेंस में, ठीक है, कुछ लोगों ने मैसेज किया और थैंक यू भी बोला मुझे, ठीक है। और यहाँ पर दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जानते हैं कुछ लोग इसमें से कि मैं कौन सा सब्जेक्ट और पढ़ाता हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी इस पर बात करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कोई बात ही नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो एक मैप इसी तरीके से बना रहा हूँ, देखेंगे आप लोग थोड़ा सा कैसे यूज करते हैं। देखें अभी मौर्यन एम्पायर में बनाने जा रहा हूँ, देखेंगे आप लोग। मौर्यन एम्पायर भारत में काफी बड़ा एम्पायर था। रेड आ गया क्या? दिल्ली और रेड कहाँ से आ गया? मौर्यन एम्पायर भारत का ऐसा पहला एम्पायर था जो भारत की नेचुरल बाउंड्री तक कंट्रोल करता था, और ये बड़ा एम्पायर था मौर्यों का। ईस्टर्न अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान और भारत का काफी बड़ा हिस्सा नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके और रिमोट साउथ को छोड़ करके मौर्यन एम्पायर था, ठीक है। इसको पढ़ना बहुत आसान होगा आपको, टॉपिक बड़ा है लेकिन पढ़ना आसान होगा। इसके बाद स्थिति बदल गई, इसके जस्ट बाद स्थिति बदल गई, ठीक है। यहां पर अशोक ने भी कहा है कि कुछ राज्य उसके पड़ोस में थे, तीन राज्यों के नाम लिए यहां पर है अपने अभिलेख में, सेकेंड रॉक एडिक्ट में, सेकेंड इंस्क्रिप्शन में तीन राज्यों के नाम गिनाते हैं इनफैक्ट, और वो उनके पड़ोस में है, और एक श्रीलंका का नाम भी गिनाते हैं, सत्यपुत्रा, केरलपुत्रा एंड चोला, ये तीन नाम गिनाते हैं, और इसके अलावा श्रीलंका का नाम गिनाते हैं। श्रीलंका तो खैर भारत से बाहर था ही, ठीक है। ये तो ये राज्य थे, मतलब यहां पर अशोक का कंट्रोल नहीं था, और यहां पर नहीं था, और यहां पर नहीं था, ठीक है। अब सोचे आप लोग कि ये मैप जब अगले फेज में पहुंचेगा पोस्ट मौर्यन पीरियड में, तो अलग तरीके का बनता है। अब ये मैप में इतने राज्य आ जाएंगे ना आपके पास, चीजें बदल जाएंगे। अब वहां पर सेंट्रलाइज राज्य है, बहुत बड़ा एम्पायर है, भारत का सबसे बड़ा एम्पायर, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी और वहां से वो शासन चलता था। अब राज्य बदल जाएगा, चीजें देखिए बनाने के दौरान जो है आपको ये वाला हिस्सा जो है ना, ये एकदम अलग था। यहां पर कुछ विदेशी अटैक हुए थे और विदेशी राज्य था जो भारत के बाहर तक फैला हुआ था, ये वाला एरिया, ठीक है। कुषाणों का राज्य सेंट्रल एशिया में भी फैला हुआ था, ठीक है, ये भी कवर करते थे वो, और ये इतना बड़ा एम्पायर था इनका। और यहां पर चार विदेशी राज्यों ने शासन किया अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में, सका और इंडो ग्रीक्स, पार्थियन एंड कुशांस, ये चार राज्य थे। इन चारों राज्यों को यहाँ लिख देना, जैसे इंडो ग्रीक्स थे। अब सोचे कि भारत पहले इस तरीके का था, अब डिफरेंट हो गया वो, ठीक है। इंडो ग्रीक्स आ गए, सका आ गए, पार्थियन आ गए, अलग अलग क्षेत्र में है ये, ठीक है, कुशांस आ गए, इसी क्षेत्र में सारे होंगे। लेकिन इसके बाद अब यहां पर कौन कौन होंगे देखें, पहले का इतिहास इस समय का पढ़ना आसान है, इस समय का कितना उलझा हुआ इतिहास है। देखो ये मगध वाला राज्य था, और इसका राज्य ठीक ठाक एरिया में फैला हुआ था, ठीक है। ये और सोचे कि कभी मौर्यों के समय में मगध एम्पायर कितना बड़ा एम्पायर था, अब ये छोटा होकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल के कुछ राज्यों तक सीमित हो गया, ठीक है, और छोटा हो गया ये। और ये मगध एम्पायर में सुंगा एंड देन आफ्टर कन्वा डायनेस्टी, ये आ गए, इनके बाद आएंगे मौर्यों के बाद सुंगा देन कन्वा, ये दो डायनेस्टी पाटलिपुत्रा शासन करते, साम्राज्य छोटा इनका है। और कलिंग का खारवेल, जहां पर कभी कलिंग का शासन था, मतलब अशोक का शासन था मौर्यों का, वहां पर देखें ये वाले एरिया में खारवेला आ गया, ठीक है, ये शासन आ गया, कलिंग इनके हाथ से निकल गया मौर्यों के।
कभी महाराष्ट्र और आंध्रा वाले रीजन में भी इन्हीं लोगों का शासन था, ये वाला रीजन, महाराष्ट्र और आंध्रा रीजन, ये पूरा इन्हीं का शासन था मौर्यों का। अब यहां पर सातवाहना आ गए, सातवाहना अंतर आया। फिर नीचे नीचे वो बने रहेंगे, ठीक है, ये लोग बने रहेंगे निचले वाले हिस्से में, ठीक है, चोला, पांड्या, केरल पुत्र, ठीक है, चेरा कहेंगे इसको, कायदे से इसको चेरा ही कहेंगे, ठीक है, ये बने रहेंगे, इस तरीके का राज्य हो गए। अब ये एम्पायर जो है पढ़ना, आप देखे कितने राज्य हो गए, मोटे मोटे बड़े राज्य बड़े बहुत ज्यादा हो गए, इंडो ग्रीक, सका, कुषाण, वो चार, ये हो गए, 5, 6, 7 और 3, 11 हो जाएंगे, 10, ये भी है 11, 11 स्टेट्स देयर। एक बड़े एम्पायर के बाद 11 बड़े राज्यों में भारत डिवाइड हो गया। इतिहास को पढ़ना इसी तरीके से, चेंजेस को देखना है तो मैप बनाए बार बार, उसको लोकेट करें, चीजें आसान, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया जो भी राज्य कन्वर्ट हो रहे हैं ना, वो सबको करें, बहुत आसान हो जाएगा, इतिहास बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसको ना, इसको भी आप अपनी किताब में 8, 10, 20 पेज में एंशियंट का मैप के थ्रू इतिहास को बना ले, ठीक है, चेंजेस को दिखा ले उसी मैप पर, आसान कर लेंगे आप लोग इतिहास को, फिर पढ़ना आसान हो जाएगा इतिहास, ठीक है। 10, 12 पेज में इस तरीके से कर ले, मैं मैप बनवाऊंगा आपको, ठीक है, उसी मैप को आपको कॉपी करके 10, 12 पेज में इकट्ठा कर लेना है, ठीक है, इकट्ठा करके बना लेना उसको है। जैसे इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा आगे, वो आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा आगे, वो हो जाएगा, तो चेंजेस आसानी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, और मैप के थ्रू सारा लोकेशन आ जाएगा आपके पास, चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये है, अब हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि कुछ डेफिनेशन वगैरह बातचीत कर ले, हाउ टू डिफाइन हिस्ट्री इन अ बेटर वे, ठीक है, चलिए हटा दूं उसको। एवरेज ही बनाना आपको है, आपको समझ में आ जाए बस, ये थोड़ी कि एग्जैक्ट लोकेशन हमसे पूछा नहीं जा रहा, हम अपने समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, मैप सिर्फ अपने समझने के लिए है, जहां पर लोकेशन वास्तव में जरूरत पड़ेगी, जैसे विक्ट्रीज ऑफ समुद्रगुप्ता, उस अभियान में अगर मैप बनाते आप हैं, मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको नंबर अच्छे आएंगे, उसमें बनाए आप अच्छे से, उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करके जाए, अच्छे से लोकेट करें चीजों को देख देख करके। तो कहीं कहीं पर जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना, वहां पर मैप अच्छा होता है बनाना, जैसे कल्चरल हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी पढ़ना आप लोगों को है, बहुत सारे पीरियड का, शायद मौर्यों को भी पढ़ना होगा, मौर्यों का आर्ट आर्किटेक्चर है ना, हाँ होगा, टेम्पल आर्किटेक्चर होगा, गुप्तों का होगा, तो वो टेम्पल का जो आउटलाइन है ना, वो अगर बना देते आप हैं तो ये आपके लिए नंबर अच्छा आ जाएगा, ठीक है। स्तूपा का आउटलाइन बना देते हैं तो नंबर अच्छा आ जाएगा, स्तूपा आर्किटेक्चर पूछता है, आउटलाइन बना दे, नंबर अच्छा आ जाएगा। अब किसी इमेज को तो बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम स्तूपा, टेम्पल या कुछ और आर्किटेक्चर होंगे जो मैं बनाऊंगा पढ़ाते समय, वो आप देखेंगे, उससे नंबर अच्छे आएंगे। कहाँ पर क्या आपको, देखिए राइटिंग इज एन आर्ट, ये कला है, ये कला एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन लिखते लिखते आ जरूर जाएगी, और उसके लिए इनोवेशन लगातार करना पड़ेगा आपको हर जगह पर, ताकि आप दूसरों से डिफरेंट दिखें, इतना भी डिफरेंट ना दिख लें कि थोड़ी दिक्कत हो जाए, ठीक है, हाँ, लेकिन डिफरेंट दिखें और अच्छा दिखें, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना, लॉटिंग का चक्कर होता है, जब कॉपी चेक होती है ना, तो चक्कर लॉटिंग का होता है, एक लॉट में जो कॉपी होती है एक टीचर के पास जाती है वो चेक होने के लिए, उस टीचर को ये भी देखना होता है कि उसमें सबसे बेहतर कॉपी किसकी है, सबसे बेहतर किसने लिखा है, वो बेंचमार्क बन जाता है, उसी को सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा, बाकी को उससे नीचे मिलेगा, बेंचमार्क बना देता है वो, ठीक है, तो क्यों नहीं आप बेंचमार्क बना दे उसमें लॉट में, ठीक है,
क्रिएटिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जितना क्रिएटिव होंगे उतना बेहतर नंबर आएगा, जितने कम और प्लेन वे में लिखेंगे उतना नंबर अच्छा नहीं आएगा, और पॉइंट ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। दो चार पॉइंट में आंसर खत्म करेंगे तो नंबर नहीं आएंगे। हाँ, पॉइंट जितना ज्यादा होगा उतने अच्छे होंगे, नंबर उतने अच्छे आएंगे। क्रिएटिविटी एंड उसका पॉइंट्स, ऑथेंटिक हो, सही हो, उसी दिशा में हो और ज्यादा हो तो नंबर अच्छे आएंगे आपको। बना लिया आप लोगों ने? तो अब हम लोग बातचीत करेंगे इतिहास, हाउ टू डिफाइन इतिहास, हिस्ट्री, कैसे इतिहास को डिफाइन करें। कभी कभी निकल जाता है। तो इतिहास को डिफाइन करने के लिए बहुत मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, लेना भी नहीं चाहिए, डिफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। सिंपल वे में डिफाइन कर लेते हैं कौन सा ऐसा टेंशन है। ठीक है, मतलब सीधे सीधे कह दें कि इतिहास बीती हुई घटनाओं का अध्ययन है, हिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ पास्ट इंसिडेंट्स एंड दोज इंसिडेंट्स विच अफेक्टेड द मीन्स पोलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है, ये सब लाइफ को अगर जिसने प्रभावित किया हो उसी को हम इतिहास कहते हैं। अब जैसे कोई भी घटना घटती है, आपको क्या लगता है, इंडिविजुअली प्रभाव वाली चीजों को हम नहीं पढ़ते हैं? जब तक कि सोसाइटी एज ए होल या कंट्री एज ए होल या एज ए होल वर्ल्ड को वो प्रभावित ना करे, जैसे वर्ल्ड वॉर को हम पढ़ते हैं। अब दो आदमी मार्केट में युद्ध कर रहे हैं उसको थोड़ी पढ़ लेते हैं, दो आदमियों का युद्ध। अब ऐसा इतिहास पढ़ेंगे तब तो सिलेबस खत्म ही नहीं होगा, इनफैक्ट तबाह हो जाएंगे हम लोग, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो दो आदमियों के युद्ध को हम लोग नहीं पढ़ते। इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में इंसिडेंट्स, दोज इंसिडेंट्स विच यूज टू बी अफेक्टेड नॉट अ पर्सन बट एज ए टू द कंट्री एंड टू द वर्ल्ड। ठीक है, उनको जो प्रभावित करने वाली घटनाएं हो तो उनको पढ़ते हैं। जैसे हिटलर को हम क्यों पढ़ते हैं, हिटलर एक व्यक्ति था, क्यों पढ़ते हैं उसको, क्योंकि उसने प्रभावित किया इतिहास को, चाहे निगेटिव में ही सही किया लेकिन किया तो।